अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, होप आप सब कैसे हैं। हम बहुत अच्छे हैं और हम बहुत इन्जॉय करें यहाँ पे। आज दूसरे दिन है और मैं आज माल रोड में आई हूँ। वेदर बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत सारा क्लाउड है, अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन कल तक शाम तक बहुत बारिश थी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हम जिस होटल में अभी ठहरे हुए हैं वो होटल का मैंने आपको कोई टूर नहीं दिया क्योंकि वो होटल हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, एमरजेंसी में हमें लेना पड़ा था। आज रात भी हम लोग वहीं स्टे करेंगे लेकिन कल हम लोगों का दूसरी जगह चेक इन है। हम लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है और मैं आपको बता दूँ हम लोग ठहरे हैं सुमिटल क्वीन यार्ड स्पा एंड रिजॉर्ट, ऐसा कुछ है वो मैं आपको दिखा दूँगी। कल और परसों हम लोग रह रहे हैं और उसके बाद वाले दिन हम लोग वापस कोलकाता के लिए जा रहे हैं। फिलहाल मैं लोग इन्जॉय कर रहे हैं और हमारा ये दो दिन का स्टे यहाँ था जो इमरजेंसी में था और अभी हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है, 2:30 हो चुका है। हम लोग होटल से काफ़ी लेट में निकले हैं क्योंकि बुकिंग करने का प्रोसेस चल रहा था, कंफर्मेशन चल रहा था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया था। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, और अभी मूड काफ़ी फ्रेश है क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा होटल मिल गया है और हम लोग अभी फुल ऑन इन्जॉय करेंगे। हालांकि कल तक हमारा प्लानिंग था कि हम लोग वापस चले जाएंगे कोलकाता क्योंकि हमें कोई होटल मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये कहना था कि जब कोलकाता से तुम दार्जिलिंग आई हो तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाओ, इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऑल ऑन अ सडन हमारा प्लान चेंज हुआ और हम लोगों ने होटल बुक करा। तो होटल नहीं मिलते मिलते भी जहाँ हम लोग पहले करना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा था, लेकिन लकीली कल हमें मिल चुका। तो हम लोग एटलीस्ट हम अभी बहुत रिलैक्स्ड है और हम माल रोड में हैं जहाँ थोड़ा सा घूमेंगे और फिर खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। बाय बाय। फिर आगे चले चलो। प्लेन नान, चिकन भरता, बटर नान और यहाँ एक चाउमिन है। फ्रेंड्स मेरे प्लेट में बटर नान है और वहाँ मैंने ये मसाला नान लिया है, मेरा मसाला नान, और मैं आपको खाकर बताती हूँ कि ये कैसा है। वैसे हम लोग ग्लिनरीज में हैं, ओवरऑल गुड टेस्ट, बट नान बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बट गुड टेस्ट। चाउमिन कैसा है? यहाँ स्टिकर्स वगैरह बोल रही थी, तुम देखोगे स्टिकर्स बोल रही थी जो मार्केट। यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए आपको वुलन क्लोथ, ज्वेलरीज या दार्जिलिंग का बहुत सारा जो आप टोकन के हिसाब से ले जाना चाहते हैं ले सकते हैं।
अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने के लिए, रिलेटिव्स को गिफ्ट करने के लिए। और यहाँ एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें दार्जिलिंग का रॉक गार्डन दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे लोग बैठ कर रहते हैं, इंजॉय करते हैं। चलिए चलते हैं। ये आप मैं ऊपर की तरफ से ये माल रोड का ये फोटो एक वीडियो ले रही हूँ, और ये यहाँ से क्रॉस ये ऐसे करते हुए आपको ये दिख। स्वेट शर्ट्स, छाता, पोंचो, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैन यू फील कि क्लाउड के अंदर चलने का क्या मजा आता है? देखिए, मैं तो फील कर रही हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा फील करवाऊं। ये पूरा क्लाउड जस्ट, अब मैं पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये दार्जिलिंग का माल रोड है बैक साइड वाला, मतलब महाकाल का जो मार्केट है उसको क्रॉस करते हुए हम लोग आगे निकल गए हैं। एंड यू कैन सी, देख सके पूरा, देखिए क्लाउड के अंदर से चलना। हम जैसे जिन लोग शहर में रहते हैं, पॉल्यूशन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं हासिल होता है, वहाँ पे ये तो जन्नत से कम नहीं है। दार्जिलिंग में बहुत बार आ चुकी हूँ, बट रेनी सीजन का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, तो जैसे ठंड में मज़ा आता है, गर्मी में मज़ा आता है, रेनी सीजन का भी अपना ही मज़ा है। और रेनी सीजन में होने की वजह से यहाँ सिर्फ क्लाउड, क्लाउड और क्लाउड है। ये है आपका शाम का व्यू दार्जिलिंग का माल रोड, कितना ब्यूटीफुल है, कितना रौनक लगा हुआ है हर तरफ। और ये है माल मार्केट, चलते हैं हम लोग। रात हो चुका था और हम लोग सिस्टम में डिनर के लिए चले गए थे, और माल रोड में काफी बारिश हो रही थी, लेकिन हम लोग काफी लेट तक रहे। ये कौन सा पिज्जा खा रहे हैं? उसके बाद हम लोग होटल के लिए निकल गए। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम लोग आए, लेकिन आपका नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, वो आप लोग देखिएगा। फिलहाल हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं, डिनर एंजॉय करने के बाद हम लोग होटल निकल जाएंगे। बताओ कैसा लगा? टिल नाउ बाय बाय, कुछ भी अच्छा लगेगा तो चैनल को प्लीज ठीक ठाक शेयर सब्सक्राइब। ठीक ठाक है ये, ओके ठीक।